इतना अच्छी प्रभावना अंग का कार्य करते हैं तो आपकी अनुमोदना तो बनती है साथियों, जोरदार। चलिए, मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न पूरे भारतवर्ष से आ रहा है, एक तो राखी के संबंध में, क्योंकि राखी उस दिन 30 तारीख को पड़ रही है, भद्रा नक्षत्र है, कैसे बनाएं और 16 कारण जो है कब से प्रारंभ हो रहे हैं। भारत में दो प्रकार के धर्मों की विशेषता, एक वैदिक परंपरा और एक जैन परंपरा। जैन परंपराओं में हमारे यहाँ तिथियों का महत्व उतना नहीं दिया गया, हमारे यहाँ क्रिया का महत्व दिया गया। सुबह भगवान को केवल ज्ञान हुआ, दोपहर में गणधर को केवल ज्ञान हुआ, सुबह भगवान को मोक्ष हुआ, महत्व इतना ही है, उसमें ये विचार नहीं करना। इसी प्रकार रक्षाबंधन जो है, भगवान को पूनम के दिन सुबह महाराज का अवसर दूर हुआ और दोपहर में पारना के बाद, दोपहर में श्यामय के बाद जो हस्तनापुर में विष्णु कुमार महाराज की प्रवचन सभा लगी, उस सभा के अंदर रक्षा सूत्र बांधने की बात आई। वहाँ पर ये नहीं दिया, क्योंकि अब वैष्णव दर्शन में आया है भद्रा का एक बहुत बड़ा सूत्र है। ज्योतिष शास्त्र में एक भद्रा होती है, शुभ कार्यों के लिए भद्रा वर्जित है, और रक्षाबंधन के दिन ऐसी भद्रा पड़ रही है इस बार कि सुबह 10:58 तक 14 से उसके बाद भद्रा लग जाएगी, और भद्रा लगते ही पूनम शुरू होगी। अब भद्रा में वैष्णव दर्शन लोग राखी के बांधने का निषेध करते हैं, और रात के 9 बजे के लगभग भद्रा खत्म होगी। तो वैष्णव जो मानने वाले वैदिक परंपरा हैं, वे रक्षाबंधन रात के 9 बजे के बाद मनाएंगे, यानी भाई बहन को राखी आदि जो बांधेगी वो 9 बजे के बाद मानी, दिन भर भद्रा है। दूसरे दिन भद्रा की बात जो कही गई, तो दूसरे दिन जो भद्रा है वो 7:46 तक के बाद जो है पूनम खत्म हो जाएगी। भद्रा तो पहले ही खत्म हो गई, शाम को ही 9 बजे खत्म हो गई, लेकिन जो अब रात में तो बनाना नहीं है, कई लोग दिन में मनाते हैं। तो वे दो लोगों के यदि भद्रा का दोष मानना है तो रात के 9 बजे के बाद राखी बांधे, और यदि रात में नहीं करना है तो प्रातःकाल 7:46 तक सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय 5:48 के लगभग कितना होता है वो है, तो सूर्य उदय से लेकर 7:46 तक 31 तारीख के सुबह भी राखी बांधी जा सकती है, लेकिन 7:46 तक, उसके बाद जो है पूनम खत्म हो जाएगी। राखी पूनम की होती है, उसके बाद एकम लग जाएगी। तो अब रही बात रक्षाबंधन की, तो जैनियों को इस पर कोई विचार नहीं करना है। 30 तारीख को दिन अस्त होने के पहले दिन दिन में अपना रक्षाबंधन मनाना है, और प्रातःकाल अब मंदिरों में 30 तारीख को प्रातःकाल अपने अपने मंदिरों में जाकर के पूजन पाठ, शास्त्र श्री पर का समर्पण आदि जो क्रियाएं करते हैं, मंदिर की राखी प्रातःकाल, घर की राखी प्रदोष काल यानी अपराह्न काल में, ये दो ही परंपरा हैं। दूसरी बात है 16 कारण की, तो 16 कारण जो हैं वे 30 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 16 कारण जो करते हैं 32 दिन के, वे 30 तारीख से 16 कारण की शुरुआत होगी। जो 16 कारण करना है वे 30 तारीख से शुरू करेंगे, तभी जाकर के 32 दिन पूरे हो पाएंगे आगे जाकर के।